नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा ही नहीं, विश्वास है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से त्योहारों को मना रहे होंगे। लेकिन त्योहार की इस महाउत्सव में जो है, आप अपने पढ़ाई को नहीं भूले होंगे, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत का, थोड़ा सा इसको साइज को बढ़ा लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट स्टेट, ये जो है प्रश्न पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि भारत का कौन सा ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जिसने हॉलमार्क को ओपन कर दिया है अपनी सभी, मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हॉलमार्क को ओपन या कंपलसरी कर दिया है अपने राज्य के सभी जिलों में। ठीक है, तो वो है एक तरह से केरला, फर्स्ट स्टेट टू ओपन हॉलमार्किंग सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। उसने जो है पहला राज्य केरला का, जिसने, और केरला में भी अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम, जिसने जो है हॉलमार्किंग सेंटर को पूरे राज्य के लिए खोल दिया है। तो हॉलमार्किंग सेंटर, ठीक है, तो वो क्या है, केरला। केरला ने अपने राज्य में, मतलब सभी राज्य के सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर्स जो है को ओपन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023, ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन होगा दुबई में। ठीक है, दुबई में ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 जो प्रतियोगिता है, इसका आयोजन दुबई में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में इंडिया ने टोटल कितने मेडल को जीता है? ठीक है, कितने मेडल को जीता है? तो फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में भारत ने टोटल 111 मेडल को जीता है। यहां पे याद रखेंगे, फोर्थ एशियन पैरा गेम में भारत ने 111 मेडल को जीता है। ठीक है, और वहीं 19वें एशियन गेम में भारत ने टोटल 107 मेडल को जीता है, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। तो यहां याद रखेंगे, 107 टोटल मेडल जीते थे 19वें एशियन गेम में, और 111 फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में भारत ने मेडल जीते हैं। इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। पहली बार फर्स्ट इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर असिस्टेंस 2023 एंड असिस्टेंस 2023, पहली बार जो है, मतलब देखभाल के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर असिस्टेंट 2023 मनाया गया। और जहां ये फर्स्ट जैसा शब्द आ जाता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 29 अक्टूबर को पहली बार 2023 में फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड असिस्टेंस 2023 में जो है सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा हाउ चोंगबा, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मेरा हाउ चोंगबा, इसका आयोजन कहां पे किया गया है, किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में मेरा हाउ चोंगबा सेलिब्रेट को का उत्सव जो है किया जाता है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, थॉमस थॉमस
थॉमस कैनेथ मैटलिंग सेकंड, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, ये कौन है? ये नासा के जो है कौन थे? एस्ट्रोनॉट्स थे ये, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री थे ये नासा के, ठीक है, यूएसए नासा के ये अंतरिक्ष यात्री थे, थॉमस कैनेथ मैटलिंग सेकंड, जिनका हाल ही में जो है देहांत हो गया है। अगर हम बात करें नासा के हेडक्वार्टर की, तो ये वॉशिंगटन डीसी, यानी कि यूएसए वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक IMF, है ना, याद रखेंगे, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और नासा की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, असम के मुख्यमंत्री ने भी स्वागत करा था, भूटान किंग जो है, भूटान नरेश जो है, भारत की अपनी आधिकारिक ऑफिशियल यात्रा पे है, उनका नाम क्या है? जिगमे खेसर नेमग्याल, जिगमे खेसर नेमग्याल जो कि भूटान नरेश है, भूटान के किंग है, वो भारत देश के अपनी आधिकारिक यात्रा पर है, आसाम में भी वो पहुंचे हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार टी ये क्या है? ये भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी सेल थेरेपी है, ठीक है, थेरेपी, ठीक है, कार टी क्या है? भारत की पहली स्वदेशी थेरेपी, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। और देखिए एक चीज याद रखेंगे, हम लोग भैया दूज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जगह 14 तारीख को है ना, 15 को है, तो हम लोग जो है भैया दूज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहन और भाई के जो एक महत्वपूर्ण, जो एक मतलब एक सबसे सच्चा जो रिश्ता होता है उसको मजबूती देने के लिए, है ना, उसमें जो है बहनों द्वारा ये त्यौहार जो है मनाया जाता है, तो अपनी बहन को इस बार गिफ्ट के रूप में एक मतलब एक प्रॉमिस कीजिएगा कि उसकी जो है हेल्प करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, और जो है कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, यदि किसी के घर में छोटी बहन बड़ी बहन हो और भाई हो, तो भाई को क्या लगता है कि अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, तो एक मोटिवेशन वो भी ढूंढिएगा कि बहन की शादी धूमधाम करने के लिए हमें एक अच्छी जॉब चाहिए और अच्छी जॉब के लिए हमें पढ़ना होगा, तो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। तो इस भाई दूज पे अपनी बहन को ये प्रॉमिस दीजिएगा, और जो है आपकी खुशी में ही आपकी बहन की भी खुशी होगी। आप सभी को हैप्पी भैया दूज, सभी जो है अच्छे से हैप्पी भैया दूज को सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ ही कल जो है 14 नवंबर यानी कि हम सबका दिवस है ना, जब तक मरते नहीं है तब तक हमारे अंदर जो एक बच्चा है वो जीवित रहता है, ठीक है, आयु के आधार पे, शरीर के आधार पे हम लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन दिल और मन हमारा जो है बच्चा रहता है, तो उसे कभी भी मरने नहीं देना है। वो बचपन की अमीरी न जाने अब कहाँ खो गई, वो बचपन की अमीरी न जाने अब कहाँ खो गई, वो दिन ही कुछ और थे जब बारिश में हमारे भी पानी के जहाज चला करते थे। आप सभी को एक बार पुनः हैप्पी बाल दिवस, कल के लिए आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं, ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन, ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो भारत में ही हो रहा है, न्यू दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में वैश्विक जो जैव भारत के जो संगोष्ठी हो रही है, ग्लोबल बायो इंडिया की जो बैठक हो रही है, वो 2023 में कहाँ हो रही है? भारत में ही हो रही है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना। अगला और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, बिहार ने अपना सेकंड टाइगर रिजर्व की घोषणा की है, है ना, तो वो कहाँ पर बनेगा? वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में बनेगा, जो कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बिहार में जो है टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिसमें से कैमूर है जो कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित होने वाला है, जो कि 2023 के एंड में या 2024 के शुरुआत में जो है ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब बात करते हैं बिहार का दूसरा है, तो पहला भी पता होना चाहिए। तो बिहार का पहला जो है नेशनल जो टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि,
वाल्मीकि नेशनल पार्क में ही जो है दूसरा इसका पहला इसका टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है क्या है, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। वेस्ट चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी, नील आंदोलन, है ना, सभी नाम आप लोग अच्छे से जानते हो। खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए, मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन पढ़ाई को भूलना नहीं है, हर हाल में हमें पढ़ना है। और जो प्रॉमिस मैंने आज आप लोगों से किया वो अपनी सिस्टर से जरूर कीजिए। एक बार पुनः आप सभी को हैप्पी भैया दूज और बाल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं रजनीश पांडे आपसे विदा लेता हूँ, कल पुनः इसी मंच के माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।